गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोग जिनकी खांसी या फिर अस्थमा सोते ही बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के लिए बहुत असहज स्थिति होती है रात को सोते समय, ठीक से सो नहीं पाते। कुछ लोग बोलते हैं कि कुर्सी पर बैठ के सोना पड़ता है। अगर ऐसी समस्या है या फिर खांसी आ रही है और लेट जाते हैं तो और तेज आने लगती है, यानी रात को बढ़ जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो होम्योपैथी में कई मेडिसिन है, उसमें से चार बेहतरीन मेडिसिन का कंपेयर करते हैं। आज छोटे से वीडियो में फोर मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो देखिए, अगर लेटते ही खांसी बढ़ जाती है तो ये चारों मेडिसिन यूज कर सकते हैं। अब कुछ लोग की कंप्लेंट ये रहती है कि जब ही लेटते हैं तो खांसी बंद हो जाती है और उठने पर खांसी आने लगती है, तो ऐसे लोगों के लिए फास्फोरस दवा है। फास्फोरस 200 पावर की लें, एक एक दिन छोड़ के लें। अगर खांसी लेटते ही बंद हो जाती है, लेकिन इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे लोग जिनकी खांसी लेटते ही बढ़ जाती है। तो देखिए, यहाँ पे चार मेडिसिन लिखी हैं, दवाइयां और भी हैं, लेकिन फोर जो कॉमन मेडिसिन है जो ज्यादा यूज की जाती है उन्हीं के बारे में बात हो रही है। पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, दूसरी मेडिसिन है कालिकार, और तीसरी मेडिसिन है हायोसाइमस नाइजर, और फोर्थ मेडिसिन है क्रोटोन टिग्लियम। तो ये जो चारों मेडिसिन है, इन चारों मेडिसिन का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि सोते ही खांसी बढ़ जाती है। आर्सेनिक एल्बम की अगर बात करें तो देखिए, इसका जो कफ है वो अस्थमेटिक कफ है, यानी अस्थमा का इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, या यूं समझ लीजिए कि हिस्ट्री में परिवार में कभी अस्थमा रहा है या फिर इस पेशेंट को खुद ही अस्थमा है। रात को जब सोता है तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में रात के समय अचानक से जग जाता है, तेज खांसी आती है और उठ के बैठना पड़ता है। एक दो घूंट पानी पी लेने से थोड़ी देर के लिए टेम्पोरली आराम मिल जाता है। तो 12 से 1 बजे के बीच खांसी आए और थोड़ा सा पानी पी लेने से, एक घूंट पानी पी लेने से थोड़ी देर के लिए टेम्पोरली आराम मिल जाए, तब ये आर्सेनिक एल्बम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कालिकार की बात करें तो यहां भी अस्थमेटिक कफ ही है, अस्थमेटिक कफ है, लेकिन इसका एग्रेवेशन पीरियड 2 से 4 बजे रात में, यानी ये भी पेशेंट रात को सोया रहता है अचानक से जग जाता है, 2 से 4 के बीच में खांसी इसकी तेज बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। और अगर कमरा थोड़ा गर्म है तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है, यानी कालिकार के पेशेंट को गर्म कमरे से थोड़ा बेहतर महसूस होता है। लेकिन रोज की ही व्यवस्था है, 2 से 4 बजे रात में नींद खुल जाती है। तीसरी मेडिसिन है हायोसाइमस नाइजर, इसका जो उबला इंक्रीज हुआ है, अगर आप गले में देखेंगे तो ऊपर से नीचे लटकता हुआ रहा है, उसी को उबला बोलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो जब ऐसे चलता फिरता रहता है तो ये नीचे टच नहीं करता है, जब ही लेटता है तो थ्रोट में टच करने लगता है, और उस टच करने की वजह से खांसी आनी शुरू हो जाती है और इंक्रीज्ड बढ़ जाती है खांसी खाना खाते समय, पानी पीते समय, या फिर बात करते समय, या फिर गाना गाते समय। जब भी इस थ्रोट का यूज करते हैं तब खांसी तेजी से ज्यादा हो जाती है, खांसने लगते हैं, और चुपचाप रहते हैं तो थोड़ा रिलैक्स रहता है। तो इसका मतलब ऊपर से जो लटक रहा है, उबला बोलते हैं उसको, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो लेटते ही तो और जल्दी से ज्यादा टच कर जाता है, और जब बात करते हैं, बोलते हैं, या कुछ सिंगिंग गाना गा रहे हैं तब थोड़ा थोड़ा टच करता है, तो जितने अमाउंट में टच करता है उतने ही अमाउंट में खांसी आने लगती है, आती है। और फोर्थ मेडिसिन है क्रोटोन टिग्लियम, यहां भी अस्थमेटिक कफ ही है, और अस्थमेटिक कफ है, और इसका खास फीचर से है कि जो पेन है छाती में लेफ्ट तरफ से पीछे बैक की तरफ चला जाता है, यानी लेफ्ट निप्पल से पीछे बैक की तरफ दर्द
इसे शिफ्ट कर जाता है, शिफ्ट करता रहता है इस तरह से। तो एक क्रोटोन टिग्लियम का करेक्टरिस्टिक्स है। तो इस तरह से इन चारों मेडिसिन को लेने का एक ही तरीका है कि आप मॉर्निंग में 30 पावर की ले लें, चार गुण जीत पर लें। तो इन चारों मेडिसिन में से जैसा इंडिकेटर आपके लिए है, आपके शरीर में है, उसी तरह के मेडिसिन का आप सिलेक्शन करें, उसी मेडिसिन को लें, तब बेहतर रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से अस्थमेटिक जो कफ होता है रात में बढ़ता है, और अस्थमा का फीचर्स ये है कि देखिए जैसे ट्रेकिया है ना, तो इसमें धीरे धीरे ऐसे ऐसे फोल्ड बन जाते हैं, इस तरह से फोल्ड बन जाते हैं। तो सांस लेने में तो ठीक रहता है, लेप तो पाता है, या लेने में जितनी दिक्कत होती है उससे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, निकालने में दिक्कत होती है। ऐसे फोल्ड हैं इस तरह से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लटके रहते हैं, जब हवा जाने लगती है तो ये और फैल जाते हैं। यूं समझिए कि जैसे इस तरह से ऐसे ये, तो नीचे अगर आ रहे हैं तो ये बेंड हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, लटक गए। अब यही हवा जब ऊपर जाने लगती है तो ये और टाइट हो जाते हैं, जब टाइट हो जाते हैं तो ये और सकरा हो जाएगा। इस तरह से जो अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसको सांस लेने में जितनी भी दिक्कत हो रही है, निकालने में और ज्यादा दिक्कत होती है, और निकालने में और सकरा सा हो जाता है। तो वीजिंग टाइप का आवाज जैसे आने लगती है, सीटी जैसे बजने लगते हैं, बोलते हैं लोग कि निकालते हैं तो सीटी जैसे आवाज आने लगती है। तो इसी का कारण यह है कि और सकरा हो जाता है जाते समय, तो थोड़ा चौड़ा हो जाता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन है, और जब ही निकालने की कोशिश करते हैं तो सकरा हो जाता है, तो सीटी जैसी आवाज आती है और दम लगाना पड़ता है। तो अस्थमा का फीचर्स है। और जो कफ होता है वो थ्रोट में लैरिंगो ट्रेकियो ब्रांकाइटिस बोलते हैं उसको, लैरिंग्स ट्रेकिया और ब्रांकस जहां पे मिलते हैं वहां पे मेम्ब्रेनस कफ, मेम्ब्रेन जैसा बन जाता है, उस वजह से कफ आता है। इस तरह से चारों मेडिसिन है, चारों मेडिसिन में से जैसा भी सिम्टम्स आप सिमेज करें आप लें, और खांसी जो रात को सोते समय बढ़ जा रही है वो ठीक होगी। चाहे जो भी मेडिसिन जो भी आपको मैश करे, लेने का तरीका सिंपल सा है, 30 पावर की लेना है आपको, कोई भी मेडिसिन 30 पावर की, चार बूंद सुबह में जीभ पर लेना है केवल एक टाइम, और डेली लेना है जब तक कि खांसी ठीक नहीं हो जाती है। बात समझ में आई? तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।